हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बनाएंगे ट्राइपॉड। सोते सोते मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस हैं और रोल्स। तो पहले हमारे को एक सर्कल कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, हमारे को एक ऐसा कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, और हमारे को सेम विड्थ का ये वाली विड्थ एक ऐसा चाहिए, और वही सेम विड्थ का एक ऐसा भी चाहिए। सेम विड्थ के तीन चाहिए, और यहाँ पे मैंने तीन लंबे रॉड्स हैं, ये इक्वल साइज के हैं, और एक छोटा रॉड भी। तो ये वाला ट्राइपॉड को बनाने के लिए हमारे को कोई फोन कवर नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये अच्छी बात है। और जैसे हम यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट टू वीडियो थी ना, वो ऐसी एक ट्राइपॉड से शूट हुई थी, बट वो एक क्वाड पॉड था, मतलब उसमें चार पैर थे, क्योंकि उस टाइम मैंने ज़्यादा अच्छे से वो नहीं ली थी मेजरमेंट्स। और यहाँ पे हमारे को प्रोट्रैक्टर भी चाहिए होगा फॉर द मेजरमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से 120 डिग्रीज पे तीन रॉड चिपका दिए, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने मार्किंग भी कर ली है। तो अभी ये चिपका रहा है रॉड्स को, तो जल्दी से हम इन रॉड्स को, मैंने इसको ऐसे हाफ कट भी किया हुआ है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा, ताकि वो टेढ़ा बने क्वाड पॉड की तरह। तो यहाँ अभी तो इसको ऐसे चिपकाना है, इस लाइन के हिसाब से आपको चिपकाना है, ऐसे सेंटर पॉइंट से शुरू होके ऐसे आपको टेढ़ा चिपका देना है, और ये ऐसे हम तीनों रॉड्स को चिपका देंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये रॉड्स लगा दिए हैं ताकि ये काफी पावरफुल हो जाए, ड्यूरेबल हो जाए। तो हमने जो पतला रोल लिया था छोटा, तो मैंने उसके ऊपर एक और रोल कर दिया और उसको थोड़ा मोटा कर दिया, और अंदर से मैंने पतला रोल भी रखा है ताकि थोड़ी ज्यादा सपोर्ट मिल सके ना, ताकि वो पावरफुल हो जाए। हाँ, तो हम यहाँ पे हॉट ग्लू चिप लगाएंगे और इसको यहाँ पे चिपका देंगे, सिंपल यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। तो जब तक ये सूखता है, हम देख लेते हैं कि जो फोन कवर का ऑल्टरनेटिव होने वाला है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो ट्राइपॉड होते हैं ना नॉर्मली, उनमें जो फोन कवर होता है वो एडजस्टेबल होता है ना। हाँ, कि मतलब वो ज्यादा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक ऐसा बनाएंगे जिसको एडजस्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओपन एंडेड होगा, ऊपर से वो खुला होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जो लंबा कार्डबोर्ड का पीस था, उसको हमने सबसे छोटे कार्डबोर्ड के पीस पे चिपका दिया है। हमने क्वाड पॉड में भी ऐसा ही सेम टेक्निक यूज की, कवर की बजाय पहले हमने कवर लगा के देखा, पर फिर हमने उसे चेंज करके कार्डबोर्ड ही लगाया। हाँ, और रेडी कर दिया। दूसरा पीस दिया था जो हमने स्टार्टिंग में, उसको हम ऐसे चिपका देंगे ताकि वो आगे ना गिरे। तो ये ऐसे रहेगा, तो हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे, तीन चार बार ही यहाँ पे हॉट ग्लू लगा देंगे, पीछे से लगा देंगे, आगे से लगा देंगे, और फिर उसको उसके ऊपर चिपका देंगे ताकि ये बढ़िया जाए। तो जल्दी से हम इसे रेडी करते हैं। ट्राइपॉड रेडी हो चुका है। हाँ फ्रेंड्स, ये हमने काफी मेहनत करके बनाया, तो इसमें डे टू डे थ्री हुए ही नहीं, हमने एक ही दिन में बनाया। हाँ, तो इसमें ऐसे आप फोम को डाल सकते हैं काफी इजीली। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्राइपॉड एकदम रेडी टू यूज है, इसे हम व्लॉग भी कर सकते हैं, पर व्लॉग करने के लिए इसे थोड़े मोटे बनाने पड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।